सोमवार को कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र के करीब 14 पार्षदों ने सफाई व्यवस्था में भेदभाव बरतने पर निगम गेट के सामने धरने पर बैठ गए और यूडीएच मंत्री धारीवाल, महापौर एवं आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पार्षदों ने प्रशासन को चूड़ियां भी दिखाई। पार्षद संतोष बैरवा ने कहा है कि भाजपा के वार्ड पार्षदों के वार्डों में साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है, इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि शीघ्र व्यवस्था नहीं सुधारी तो सारा कचरा निगम गेट पर डाला जाएगा। जो मूलभूत सुविधा है उस पर वो ध्यान देगा। मूल मुद्दा सिर्फ सफाई का ही है अभी तक, तो और मुद्दों पर तो हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बस की तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आगे कुछ हो पाएगा। लेकिन सफाई व्यवस्था डेढ़ महीने में अभी तक इनसे सुचारू रूप से ये नहीं संभल पाई है। वार्ड बुरी तरीके से सड़ रहे हैं। लगातार हम प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि मेयर महापौर से लगातार यहाँ पार्षदगण चर्चा कर रहे हैं, अपने जो जन समस्या है वो सफाई को लेके वो अवगत करा रहे हैं समय समय पर। लेकिन सोया प्रशासन, वो यहाँ के निगम बोर्ड का कोई ध्यान तक नहीं है।